यार चाप बताओ, तुम्हारा दोस्त यहीं पे आया है ना? हाँ यार, मुझे जहाँ तक लगता है उसका यहीं होना चाहिए। यार भाग, किधर ही आया था वह? ठीक है, पहले चलो किस कार्टून शॉप को देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह देखेंगे, क्योंकि यार बहुत ज्यादा कोहरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है यार फ्रैंकलिन, जैसा तुमको यार। वेल तो चलो ठीक है चापू, आ जाओ बाहर, देखते हैं, धन तो है हमारे पास। यार चाप जल्दी करो, हमें चलना है, ये जंगल की जगह यहाँ सेफ नहीं है। तो ठीक है यार, चलो कल्लू को ढूंढते हैं। वेल तुम्हें कंफर्म है वो इसी तरफ आया है, क्योंकि हम लोग क्लॉस सेंट और वाइनवुड की तरफ आए हैं। यार यही है वो। वेल तो ठीक है चलो। अरे यार, यहाँ तो चारों तरफ भेड़ियों की आवाज आ रही है, तुमको सुनाई दे रहा है ना चाप? मुझे सुनाई दे रही है। तो ठीक है यार, हम देखते हुए चलेंगे आराम से, आ जाओ हमारे पीछे, नहीं तो कोई भेड़िया तुमको घसीट के ले जाएगा। यार चाप, शीशे पे कुछ निशान पड़े हुए हैं, यार ऐसा लगता है किसी ने हमला किया है इस शॉप के ऊपर। अंदर जाके देखते हैं, शॉप बंद है, कोई है भी नहीं यहाँ पे। थोड़ा सतर्क हो जाता हूँ, शॉपकीपिंग पे देखता हूँ आखिर कौन रहा होगा। यार किसने ये हमला किया होगा, खतरनाक हमला मुझे दिख रहा है। चाप तुम बिल्कुल चौकन्ना रहना, ठीक है? ओके यार वे। तो ठीक है, मैं शॉपकीपिंग से। अरे यार यहाँ पे तो खून है, लाश का था पता नहीं, जरूर काम ये भेड़ियों का होगा। जहाँ तक मुझे लगता है फ्रैंकलिन कोई खूंखार जानवर का काम है, वे भेड़ियों का नहीं। चाप तुम्हें कैसे पता कि ये भेड़ियों का काम नहीं किसी खूंखार जानवर का है? भेड़ियों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि अंदर घुस के किसी को घसीट ले जाएंगे यार। हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो ठीक है, आगे चलकर देख लेते हैं, थोड़ा एक बार इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। चलो ठीक है यार, कर लो। यार चाप तुम्हें एक बात बताओ, तुमको इतना अच्छा फ्रेंड दिए थे। अरे यार यहाँ पे तो पंजों का निशान है चाप। हाँ यार वेल, हाँ पे बड़े बड़े पंजों का निशान है, ये किसी आम जानवर का नहीं है, ये कोई खूंखार जानवर, सच में तुम कह रहे हो, सही कह रहे हो बिल्कुल। पहले क्या था यार, उम्मीद है कि कल्लू ठीक हो। यार यार चाप, तुम्हारी जिम्मेदारी पे हमने उसको छोड़ा था, तुम ख्याल भी नहीं रख पाया उसका। अरे सॉरी यार फ्रैंकलिन। साले तुम कोई लायक के नहीं हो। चलो अच्छा बाहर चलते हैं। तो यार कल्लू को कहीं और ढूंढना। अरे यार मेरी कार कहाँ गई? चाप हमारी कार कहाँ गई? यार मैं तो तब से अंदर हूँ तुम्हारे साथ, मुझे क्या पता। तो गई कहाँ यार, वो दिख नहीं रही उसको। कस यार, कोई लगता है आस पास है मेरे, छाता में लगता है यहाँ पे कोई देख रहा है, कौन हो सकता है यार, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी कार कौन ले गया ये भी नहीं पता। चाप सतर्क रहो, चाप ये समझ लो किसी के चाल है और कोई हमें देख रहा है जरूर से। अरे अरे पाप रे, ये कौन है तेरी तो शाल है, क्यों तो भाग निकला? मैं चाप उसके पीछे जा रहा हूँ, ठीक है तुम यहाँ पे ख्याल रखना। ओके ओके यार वेल। तो ठीक है यार, देखता हूँ कौन है साला, छत के साइड पे नहीं दिख रहा, लगता है बीच पे चला गया होगा। मुझे यार वो नर भेड़िया लग रहा था, बताओ फिर, उसी ने शॉपकीपर को मारा होगा और उसकी बॉडी घसीट के ले जाकर खा गया होगा। खतरनाक दिख रहा है, अभी भी चिल्ला रहा है वो। अगर उसने कल्लू को खाया होगा तो मैं उसको चीर दूंगा, मार डालूंगा उसको मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जल्दी चिपता हूँ, इस तरफ भी नहीं है यार वो, मुझे समझ में नहीं आ रहा किधर गया होगा वो। आवाज़ तो भेड़ियों की आ रही है। अरे यार मैं उसको कैसे ढूंढूंगा, मैं ऊपर चढ़ भी नहीं सकता क्योंकि कहीं से जगह नहीं है ऊपर चढ़ने का। कहाँ है साले नर भेड़िया, चला जा, देख लेता हूँ तुझे, इस पर चढ़ के देखता हूँ शायद ऊपर कुछ दिख जाए। नहीं यार यहाँ से भी कुछ नहीं दिख रहा, नीचे जाता हूँ, इस साइड से देखता हूँ, इस साइड कुछ नहीं दिख रहा है। वो भाग गया जंगल की ओर फिर से, पता नहीं यार कल्लू किसके पास है, उसके पास है, फिर कहाँ है, और मेरी गाड़ी भी चली गई। ए फ्रैंकलिन क्या हुआ यार, वो मिला कि नहीं? वेल यार चाप वो निकल गया वहां से फिर से, अब मैं क्या करूँ यार, हमें उसे ढूंढना होगा, आ जाओ हमारे पीछे, हम यार उसको जंगल में ढूंढेंगे चाप। अरे यार ये खतरनाक हो सकता है वेल। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो चाप, लेकिन मैं नहीं जाने वाला, मैं उसको ढूंढ के रहूंगा और उसको मार के रहूंगा, अपने कल्लू को छुड़वाना है और अपनी कार भी। डोंट वरी फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। अरे यार कौन है, लगता है सारे भेड़िया यहीं पे हैं। चाप ध्यान से, ठीक है ना, वो अपने साथियों के साथ भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो अकेले ही होगा सिर्फ। अरे मैं सतर्क हूँ यार। हाँ ठीक है, बस चौकन्ना रहना, वो पेड़ पे भी हो सकता है क्योंकि वो नर भेड़िया है, तुम समझ रहे हो ना? मुझे पहले ही पता था यार कि वो नर भेड़िया है यार। हाँ हाँ वो नर भेड़िया है, वो पेड़ पे भी हो सकता है। चाप चलो आ जाओ, आगे चल कर देखते हैं, ठीक है? चाप तुम परेशान मत हो ना, हम उसे ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, कल्लू को ढूंढ लेंगे और उसको घर ले चलेंगे अपने साथ, तुम समझ रहे हो ना? यार यहाँ पे तो पस्ती आ गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, आप समझ रहे हो ना तुम? यार मैं भी देख रहा हूँ, कोई अता पता नहीं है। तो ठीक है, और यहीं पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा आप किसी चीज चारों तरफ से आवाज आ रही है। छोड़ मुझे, कब देखा था तुम लोग इसको पड़ा हुआ? अरे हम सुबह सुबह गाड़ी लेके इधर से गए, पड़ा रहा है एक बार। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक के कैसे यहाँ पे पड़ा है, कोई इसको उठा गया नहीं लेके, समझ में नहीं आता। अरे हम देखा तो रुक गए, आप लोग का बुला लिया, अब समझो हम जा रहे हैं। ठीक है जाओ। तुम लोग
कौन हो? धागा। अरे कुछ बोल रहा है क्या? हाँ लगता तो है हमको। जिंदा है क्या यार? हाँ जिंदा ही जिंदा है। हे लेटर आ तुमको ले चलते हैं हॉस्पिटल। लेटर आ। हाँ हाँ ले चलते हैं। तुम लोग कौन हो? क्या हुआ था यहाँ पे? मेरा कुत्ता कहाँ है? तुम किसकी बारे में बात कर रहे हो बेटे? रात में मेरे ऊपर अटैक हुआ था, एक नर भेड़िया ने किया था। फेंक रहा है? मैं फेंक नहीं रहा हूँ साले गंजे। ए, चुप कर बे। वो सच में नर भेड़िया था ऑफिसर, मेरा सर फटा जा रहा है। मैं ऑफिसर नहीं पैरामेडिक्स हूँ, पुलिस वाले आते ही होंगे। उनको मत बुलाओ, मुझे जाना होगा यहाँ से, मुझे अपने कुत्ते को ढूंढना होगा। कहाँ है तुम्हारा कुत्ता? यहाँ तो नहीं दिख रहा है। वो नर भेड़िया उसको उठा कर ले गया, मुझे जाना होगा यार। जाने दो मुझे। देखने की भी आदत होती है यार। इस गंजे को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो इसको मैं जान से मार दूंगा। साले आराम खोर। साले तुझको मैं बाद में देखूंगा। ए, रुको, तुमको हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। हम जा रहे हैं, हमको जाने दो यार, हमको घर जाना है। जल्दी से जाएगा कोई गाड़ी लेता हूँ। तुम लोग मेरे पीछे मत आओ यार। अरे हमारी पॉलिसी है मरीज को नहीं जाने दे सकते। मैं मरीज नहीं हूँ। चलो भाई चलो चलो। साले कमीना, मुझे उतरना होगा। मैं तुम सबको बाद में देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जल्दी इस गाड़ी में बैठता हूँ। जाओ मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला। ये टकले साले। अरे बेटा रुको, तुम्हारा इलाज करवाना है। रुको रुको, मुझे नहीं रुकना उकना। लग गए ना, बोल रहे हैं तो चलो साथ में। साले टकले, तुझे हमने देख लिया है, बाद में बताएंगे। एम्बुलेंस ही ले। अरे यार ये तो लॉक है। बेटा रुक जाओ, नहीं तो हमको जबरदस्ती करनी होगी। मैं तो नहीं रुकने वाला, जो तुम्हें करना हो कर लो। अरे सख्त कदम उठाओ नहीं तो भाग जाइए। अरे तू चल, गाली चला गया। ए चल रुक 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 साले, साले परेशान करके रखे हुए थे। मुझे जल्दी जॉब को ढूंढना होगा, कल्लू को भी ढूंढना होगा। रात में अरे यार ये लोग तो पीछे ही लग गए, मूड खराब हो रहा है, इनको जल्दी से बहकाना पड़ेगा। अभी पीछे आ रहा है, बहुत जिद्दी है यार ये तो। हम जल्दी से शॉर्टकट ले लेते हैं, वही बेहतर रहेगा। नहीं तो यार ऐसे में बिल्कुल भी उसको पीछे नहीं छोड़। अरे यार तो ठीक है, लेता हूँ ऐसे निकल जाता हूँ घर की ओर, सही रहेगा। अरे बाबरे यार इस गाड़ी की हालत खराब हो गई है, मुझे इसको छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होगा। तो यार वहाँ पे एक गाड़ी उसी को ले लेता हूँ। यार मैं ले जा रहा हूँ भाई, लोग बुरा मत मानना। जल्दी में थोड़ा मोड़ता हूँ जल्दी। हाँ चल 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 चल, जल्दी घर की ओर पहुँचता हूँ यार। यार आपसे लेटता हूँ, मेरा सर फटा जा रहा है, ज़्यादा देर तक और नहीं संभाल सकता। न जाने यार मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, देखता हूँ थोड़ा। ओह शिट यार, जानवर ने मेरे पेट में काटा है, मुझे इन सब चीज़ को साफ करना होगा घर जाके। फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ, लेकिन मेरा सर बहुत ज़्यादा से भारी हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, जल्दी रोकता हूँ। अब तो मेरा चलना भी मुश्किल हो गया। जल्दी दौड़ के जाता हूँ नीचे, एक बार चाप को उसके घर में देख लेता हूँ, शायद अपने घर में हो। चाप नहीं है, वो तो लगता है वो आ ही नहीं पाया। मैं पहले जाके लेटता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। मेरा सर मुझे कुछ हो रहा है। जल्दी बेड पर लेटता हूँ। बाप रे मेरी हालत तो बुरी हो चुकी है। खैर अभी मैं बाद में खुद को साफ करूँगा, पहले थोड़ा सा लेट लेता हूँ। यार ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरा सर की भी दर्द खत्म हो गई, पूरी बॉडी की दर्द खत्म हो गई। जब यहाँ आया तो मेरी हालत खराब थी। अरे हाँ यार, मुझे जॉब को और कल्लू को बचाना होगा, और उस साले कमीनों को मारना होगा जो नर भेड़िया है। यार समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल अजीब फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरी हाइट भी बढ़ गई है, और मेरी स्ट्रेंथ भी और पावर भी। यार हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरी बॉडी को क्या हुआ यार? अरे मेरे हाथ इतने बड़े बड़े नाखून, बाप रे बाप, ये मुझे क्या हो गया यार, मैं क्या बन गया? पानी भी गिर गया। मैं जाके बाहर देखता हूँ। अरे यार मुझे शीशे में देखना होगा, मैं क्या बन गया हूँ? अरे यार मुझे जल्दी देखना होगा अपने शीशे में जाके। अरे यार ये मुझे हो क्या गया, मैं भी नर भेड़िया बन गया हूँ, उसने मुझे काटा था, मैं बन गया हूँ यार। पहले मैं जाके छत पे देखता हूँ कि ये क्या है यार, मैं सपना में तो नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार
आ,